नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार। जान लेते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ सोने व चांदी के भाव। रिलायंस जियो ने दी बड़ी खुशखबरी, आया हैप्पी न्यू ईयर प्लान। नए साल को और खास बनाने के लिए रिलायंस जियो ने आज अपने ग्राहकों को नया ऑफर दिया है। कंपनी ने इस प्लान को हैप्पी न्यू ईयर 2020 नाम से लॉन्च किया है। जियो के इस प्लान में स्मार्टफोन के साथ साथ जियो फोन ग्राहकों के लिए भी अनलिमिटेड बेनिफिट हैं। रिलायंस जियो का यह प्लान आज से शुरू हो जाएगा। जान लेते हैं इसमें क्या है खास। 2020 हैप्पी न्यू ईयर प्लान के तहत 2020 का रिचार्ज करवाने पर एक साल के लिए अनलिमिटेड सेवाएं दे रही है। ये प्लान स्मार्टफोन और जियो फोन दोनों के लिए है। इसमें उपभोक्ताओं को अनलिमिटेड वॉइस कॉल के अलावा एक साल तक रोजाना 1.5 GB डेटा और 100 SMS के साथ सभी जियो ऐप मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी 365 दिन की रहेगी। अगली बड़ी खबर है मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 10 रुपये सस्ता होगा पेट्रोल। जल्द ही सरकार पेट्रोल में कुछ मिश्रण करने जा रही है, लेकिन घबराइए मत, आपके वाहन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार देश भर में मेथेनॉल मिश्रित ईंधन पेश करने का विचार बना रही है, यानी आपको जल्द ही मेथेनॉल मिश्रित डीजल और पेट्रोल मिलेगा। मेथेनॉल मिश्रित ईंधन के कई फायदे हैं। सबसे पहले तो प्रदूषण में कमी आएगी। इसके अलावा सरकार के तेल आयात बिल में 10% तक की कमी आ सकती है, यानी सरकार अपने वार्षिक तेल आयात बिल पर 5,000 करोड़ रुपए की बचत कर सकेगी। इससे पेट्रोल व डीजल की कीमतों में कमी आएगी। अगली बड़ी खबर है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को मोदी कैबिनेट की हरी झंडी, तैयार होगा डिजिटल डेटाबेस। सरकार देश में रहने वाले हर नागरिक का डिजिटल डेटाबेस तैयार करने की तैयारी में है। कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR को मंजूरी दे दी गई है। अब 1 अप्रैल 2020 से सरकार जनसंख्या का नया डेटाबेस तैयार करेगी। इसमें लोगों की बायोमेट्रिक जानकारी भी ली जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे लागू कराने के लिए कैबिनेट से 3,941 करोड़ रुपए की मांग भी की है। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट ने गृह मंत्रालय की इस मांग को मंजूर कर लिया है। सरकार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR के जरिए सरकार देश के हर नागरिक की जानकारी रख सकेगी। इससे देश के नागरिकों को यह फायदा होगा कि सरकारी योजनाओं के अंतर्गत दिया जाने वाला लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। अगली बड़ी खबर है मौसम विभाग की भविष्यवाणी, अगले 5 दिन होंगे भयानक। भारतीय मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले 5 दिनों तक देश में शीतलहर का प्रकोप काफी तेज रहेगा। इसके साथ भयानक कोहरे की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली में जोरदार ठंड की संभावना है और उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाकों में 5 दिनों तक भयानक कोहरा भी छाया रहेगा। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कई स्थानों पर सुबह के समय घना कोहरा और ठंड देखने को मिलेगी। अगली बड़ी खबर है कीमतों में हुआ बड़ा बदलाव, जानेंगे क्या रहे भाव। आज सोने व चांदी के भाव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी तेजी देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आई तेजी के चलते घरेलू स्तर पर लगातार दूसरे दिन सोने की कीमतों में तेजी आई है। दिल्ली के सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 191 रुपये बढ़ गया। वहीं इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने से घरेलू बाजार में चांदी के दाम एक दिन में 943 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ गए। जानकारों का कहना है कि क्रिसमस से पहले सेफ इन्वेस्टमेंट डिमांड फिर से बढ़ गई है, इसलिए सोने की कीमतों में तेजी आई है। हालांकि नए साल में सोना सस्ता होने की उम्मीद है। जानकारों के अनुसार सोना जनवरी में 1500 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो सकता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो न्यूयॉर्क में सोना $1491 प्रति औंस पर और चांदी $17.60 प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं अब जान लेते हैं भारतीय बाजारों में सोने व चांदी के भाव क्या रहे। सबसे पहले जान लेते हैं आज के चांदी के भाव। आज चांदी 1 ग्राम का रेट 47 रुपये 30 पैसे, 8 ग्राम का रेट 378 रुपये 40 पैसे, 10 ग्राम का रेट 473 रुपये, 100 ग्राम का रेट 4730 रुपये और 1 किलो का रेट 47,300 रुपये रहा। वहीं अब जान लेते हैं टुडे 22 के रेट सोने के भाव। इससे पहले रोजाना सोने व चांदी का भाव जानने के लिए इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज 22 के रेट सोना 1 ग्राम का रेट 3745 रुपये, 8 ग्राम का रेट 29,960 रुपये, 10 ग्राम का रेट 37,450 रुपये और 100 ग्राम का रेट 3,74,500 रुपये रहा। वहीं अब जान लेते हैं टुडे 24 के रेट सोने के भाव क्या रहे। आज 24 के रेट सोना 1 ग्राम का रेट 3865 रुपये, 8 ग्राम का रेट 30,920 रुपये, 10 ग्राम का रेट 38,650 रुपये और 100 ग्राम का रेट 3,86,500 रुपये रहा।